तो दोस्तों आज बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A13 और A14 5G के बारे में। अगर A13 के 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन की बात करें तो उसका प्राइस भी है 16,500 रुपये। इसके अलावा A14 5G के 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन का भी प्राइस है 16,500 रुपये। तो उस कंडीशन में 628 वाला A13 लेना बेहतर रहेगा या 464 वाला A14 5G लेना बेहतर रहेगा, यही डिस्कशन इस वीडियो में करने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिज़ाइन के बारे में। तो बात करें अगर डिज़ाइन की तो दोनों ही डिवाइसेस बिल्कुल डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन के साथ आते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। अब गैलेक्सी A13 में तो आपको मिलता है एकदम ग्लॉशी फिनिश का डिज़ाइन, देखने में ठीक ठाक और अमेजिंग लगता है, जबकि A14 5G का डिज़ाइन आपको निराश करेगा। एकदम चीप टाइप का, एक प्लास्टिक के खिलौने जैसा बल्कि सा डिवाइस आपको देखने को मिलता है। स्लिमनेस की बात करें तो A13 का स्लिमनेस है 8.8 mm, वेट है 195 ग्राम। A14 का स्लिमनेस है 9.1 mm और वेट है 202 ग्राम। बेजल्स भी A14 5G में काफ़ी ज़्यादा चौड़े चौड़े दिए गए हैं, तो कॉम्पैक्टनेस के मामले में A13 बेहतर है। डिज़ाइन के मामले में मुझे यहाँ A13 ज़्यादा बेहतर लगा A14 5G के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों में ही आपको मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS डिस्प्ले। दोनों ही डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है 90Hz का। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, कोई भी खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही डिवाइसेस पर अमेजिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। PLS डिस्प्ले आपको मिलता है तो कलर्स आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलेंगे। ब्राइटनेस की बात करें तो दोनों का ही ब्राइटनेस काफ़ी कमाल का है। आउटडोर में आप अपने दोनों ही डिवाइसेस को बड़े आराम से यूज कर सकते हो। रिफ्रेश रेट भी दोनों का सेम है तो वहाँ भी कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बेजल्स टाइप की भी बात करें यानी कि एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस की बात करें तो वो आपका A13 पर ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़े से नैरो बेजल्स दिए गए हैं एज कम्पेयर टू A14 5G। UI फीचर्स की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस रन करते हैं सैमसंग वन UI पर। अब यहाँ पर आप लुक एंड फील देख सकते हो, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ही सेम UI पर रन करते हैं। इसके अलावा यह आपका क्विक एक्सेस पैनल, जहाँ पर जरूरी सारे शॉर्टकट्स दिए गए हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको दोनों ही डिवाइसेस पर देखने को मिल जाता है। यह है आपका सेटिंग्स का मेन्यू, जो कि एग्जैक्ट सेम है 1x1 फीचर्स बाई फीचर्स। दोनों में ही आपको सिक्योरिटी के लिए साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी आपको दिया गया है। यह है कुछ एडवांस फीचर्स, जहां पर आप देख सकते हो जेस्चर कंट्रोल्स, डुअल मैसेंजर एंड गेम लॉन्चर, गेम टूल्स जैसे फीचर्स आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल फीचर्स के मामले में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे की। तो कैमरे के मामले में बोलने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, वहां मैंने डिटेल में कैमरे के बारे में बताया है। यहां मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, दोनों में ही रियर पर प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है। इसके बाद 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। A13 में आपको एक चौथा कैमरा मिलेगा 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, जो कि A14 5G में नहीं है। फ्रंट पर A14 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, A13 में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कैमरा फीचर्स की बात करें तो 14 मोड आपको दोनों में देखने को मिल जाता है, रियर और फ्रंट दोनों के लिए। A14 5G में आपको नाइट मोड भी देखने को मिलेगा, जो कि A13 में नहीं है। इसके अलावा दोनों ही डिवाइसेस से आप फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। A14 5G में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको A13 में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेज यहाँ अपनी अपनी जगह पर ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर दोनों को आपस में कंपेयर करें तो लगभग हर फील्ड में A14 5G पूरी तरह से A13 को बीट करता है। जैसे कि ऑटो मोड पर अगर कलर्स की बात करें तो A14 5G में आपको ज़्यादा पंची कलर्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू A13। डिटेलिंग के मामले में दोनों ही डिवाइसेज काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं। अगर डायरेक्शन लाइट में फोटोज लेते हो तो उस कंडीशन में एक्सपोजर लेवल आपको A14 5G में ज़्यादा बैलेंस देखने को मिलेगा, जबकि A13 में आपको ओवर एक्सपोज पिक्चर शो हो सकते हैं। इसके अलावा डायनेमिक रेंज भी आपको A14 5G में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है A13 के कंपैरिजन में। कुछ फोटोज यहाँ पर इंडोर में प्रॉपर लाइट में लिए गए हैं और वहाँ भी A14 5G में आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू A13 4G। ओवरऑल ऑटो मोड पर पूरी तरह से यहाँ पर A14 ज़्यादा अच्छा रहा। 14 मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी कमाल का है, बट कलर टोन और डायनेमिक रेंज की वजह से यहाँ पर डे लाइट में जो फोटोज कैप्चर की हैं 14 मोड पर, वो A14 5G के ज़्यादा बेहतर कैप्चर हुए हैं एज कम्पेयर टू A13। यानी यहाँ भी A14 ज़्यादा बेहतर है। लो लाइट फोटोग्राफी में भी A14 5G पूरी तरह से A13 को बीट करता है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको A14 5G से ब्राइटर फोटोज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा A14 5G में नाइट मोड भी दिया है, जो कि काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है, जबकि A13 में आपको नाइट मोड देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं।
ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो A13 4G का काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है, बट अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें सेल्फी की, जैसे कि डिटेल्स की, इसके अलावा कलर टोन की, तो वो आपको A14 5G में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। और अपनी जगह पर A14 5G का ब्यूटी इफेक्ट भी काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है। वीडियो स्टेबलाइजेशन की वजह से वीडियो भी आप A14 5G में ज़्यादा बेहतर तरीके से रिकॉर्ड कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू A13। हार्डवेयर की बात करें तो वहाँ दोनों ही डिवाइसेस का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। A13 में आपको मिलता है एक्जिनोस का 850 प्रोसेसर, वहीं A14 5G में मिलता है आपको एक्जिनोस का 1330 प्रोसेसर, और एक्जिनोस का 1330 प्रोसेसर काफ़ी कमाल का परफॉर्म करता है। अगर इसको कंपेयर करें मार्केट के बाकी प्रोसेसर से तो स्नैपड्रैगन 750, डायमेंसिटी 700, स्नैपड्रैगन 695, स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर 4 Gen 1, इन सबसे थोड़ा सा ऊपर ही रहता है। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी कमाल की देखने को मिलेगी। मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने A14 5G पर बिना किसी लैग, बिना किसी इश्यू के प्ले कर सकते हो, जबकि A13 डेली टास्क में भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है कुछ महीने चलने के बाद जंक फाइल होने की वजह से। तो हार्डवेयर में दोनों का भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता, यहाँ भी A14 5G पूरी तरह से A13 को बीट करता है। बैटरी की बात करें तो दोनों में ही आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। दोनों ही डिवाइसेस 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। A14 में आपको फास्ट चार्जर साथ देखने को नहीं मिलेगा बॉक्स के साथ, जबकि A13 में फास्ट चार्जर साथ मिलता है। दोस्तों यही था मेरा सैमसंग गैलेक्सी A14 5G और सैमसंग गैलेक्सी A13 4G के बीच एक ओवरऑल फुल कंपैरिजन। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया 16500 में 6128 लेना बेहतर रहेगा A13 का, या फिर A14 का 464 ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो रिजल्ट्स यहाँ मिले हैं उस हिसाब से 464 वाला A14 5G बहुत ज़्यादा बेहतर है A13 4G के कंपैरिजन में। अगर यहाँ 4G 5G का डिफरेंस हटा भी देते हैं कि चलो 4G या 5G से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4G हमारे लिए परफेक्ट है, उसके बावजूद भी बाकी की सारी चीज़ों में A14 5G A13 को बीट करता है। हालांकि डिज़ाइन के मामले में A14 5G आपको जरूर निराश करेगा। अगर डिज़ाइन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है तो प्लीज़ एक बार फिजिकली टेस्ट बिना किए फ़ोन को परचेज ना करें, क्योंकि A14 5G डिज़ाइन के मामले में काफ़ी बेकार है। तो सारा कुछ मैंने यहाँ बता दिया। अगर इनसे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ें, मैं उनका आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम है धर्मेश, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।